like you have said, this structure has been built in 2009. And what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. Mm. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased. And also for the injured, 3 lakhs. अच्छा ओपोजिशन पार्टी का सर ओपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है दूसरी तरफ है जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है साफ दिखाई दे रहा है उनपे पेंट भी नहीं है तो इतनी लापरवाही कैसे थी हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर बट व्हाट इज योर असेसमेंट व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस कोलैप्स दैट हैज टू बी आई जस्ट गॉट टू नो इन द मॉर्निंग एंड सिंस देन वी हैव बीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड नो कैजुअलिटीज टू हैपन एंड ऑल द इंजर्ड एनी ऑफ देम देन वी वांटेड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम सो वी आर फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल that we look after the injured first and also the passengers whoever are supposed to be traveling from here we wanted to give them assurance and safety and also the convenience of traveling again so that aspect we are taking care of right now any technical incidents that you are referring to will all be commented sir T1 operational kab se hoga after the report comes T1 kab se operational hone ki ummeed hai T1 kal tak hum puri tarah se inspection karwayenge abhi to pura evacuate kar diya hai koi aadmi nahi hai andar तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे क्योंकि मानसून का भी टाइम है तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे सर एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था बारिश थी प्री मॉनसून बारिश थी वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी ओके सर कमिटी का हिस्सा है कौन कौन से अथॉरिटीज हैं अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है DGCA दैट विल बी पार्ट विल एयरपोर्ट भी एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे मेरा नाम शालीन गोयल है मेरी पुणे की फ्लाइट थी मैं यहाँ आया हूँ स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं देखिए जो ट्रेजेडी हो गई गिर गई बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है किसी और टर्मिनल जाना है यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं बस उसी में लगे हुए हैं हम ये देखने के लिए कि किस तरह से कोई ट्रैवल एजेंट हमारी कोई और टाइम की फ़्लाइट करा दे किसी और टर्मिनल से करा दे हमें पता तो लगे हमें किस टर्मिनल पर जाना है यहाँ पर कोई भी किसी तरह से कोई बताने वाला नहीं है जो एयरलाइंस का स्टाफ है उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता यहाँ सारा शेड गिर गया है बड़ी मुश्किल से बचे हैं और अब आप देख लो आपने क्या करना है दिस इज़ दी थिंग जो चल रहा है यहाँ